एवरीबॉडी, आज हमारे पास एक स्पाउस वीजा सक्सेस स्टोरी है। ये है मिस्टर सतपाल, इनकी स्पाउस ऑलरेडी डेनमार्क पहुंच चुकी हैं एंड ही इज जस्ट स्केड्यूल्ड नेक्स्ट वीक के ये प्री फ्लाई करेंगे एंड पूछते हैं, इनसे बात करते हैं कि इंडो यूरोपियन के साथ इनका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। सतपाल, ये रहा आपका वीजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। आप देख सकते हो ये फाइनली जो आपकी वाइफ, आपकी फैमिली जिसने सब इतनी मेहनत और उम्मीदें लगाई, आप फाइनली आपके करियर्स के लिए गोल पूरे हो रहे हैं। हाउ डू यू फील अबाउट इट? बढ़िया मैम। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है मैम। कितने टाइम से सोच रखा था कि अप्लाई करेंगे और बाहर जाएंगे? बस मैम शादी के बाद ही। तो आपकी फैमिली फुल सपोर्ट में थी कि आप बाहर जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी मैम, वो भी चाहते थे कि बाहर जाएं, अच्छा करियर हो जाएगा, दोनों सेटल हो जाएंगे वहाँ पे। तो आपकी वाइफ की प्रोफाइल एलिजिबल थी डेनमार्क के लिए? हाँ जी मैम। हाँ जी, तो आपको इंडो यूरोपियन ने क्या गाइड करा, कैसे आपको प्रोसेस के बारे में पता चला? मैम हम बठिंडा ब्रांच में मिले थे मैम को, उन्होंने सभी प्रोसेस बताया और आपके सामने है। आपकी वाइफ डेनमार्क के लिए कब गई थी? उनको हो गए 15-20 दिन हो गई। और आपने स्पाउस वीजा के लिए कब अप्लाई किया? जब उनकी फ्लाइट थी, उनके एक दो दिन बाद ही अप्लाई कर दिया था मैम। तो ये प्रोसेस मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिन लगे, कितने दिन लगे? नहीं मैम, मेरी बायोमेट्रिक के बाद 13वें दिन वीजा आ गया था मैम। 13 दिन में? हाँ जी। तो ओवरऑल कितने दिन का वेटिंग लगा आपको? बस एक मंथ। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इंडो यूरोपियन के साथ कैसा रहा है? बहुत बढ़िया रहा मैम। आपको गाइडेंस मिली थी पूरी? हाँ हाँ मैम, जब जब लोड थी तब तब सभी टीम ने गाइडेंस की बढ़िया। ठीक है, तो और भी जो व्यूअर्स हैं जिनको लगता है कि बाहर जा नहीं सकते या फिर एज ज़्यादा हो गई है या किसी भी क्राइटेरिया की वजह से उनको लगता है कि नहीं जा सकते, तो क्या सच में जा सकते हैं? आप गाइड करो उनको। हाँ मैम जा सकते हैं, और एक बार यहाँ विजिट भी करें, उनको सभी पता चल जाएगा कि प्रोसेस कैसे किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.